केजरीवाल सरकार में राशन घोटाले का बड़ा खुलासा, 50 से ज्यादा मामले में घालमेल। सबसे 5 साल से पहले नहीं बदला जाएगा स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब और बैग खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे अभिभावक, नियम नहीं मानने पर स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्लास, शाम 6 बजे कैबिनेट मीटिंग। विशेष राज्य के दर्जों को लेकर आज एक बार फिर टीडीपी करेगी केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चंद्रबाबू नायडू ने की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल ने आंध्र प्रदेश भवन में जाकर की मुलाकात। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने एक बार फिर किया मोदी सरकार पर हमला, लिखा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में नाकाम है सरकार। मोसुल में मारे गए भारतीयों को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, पास से मारी गई सबको, सिर में गोली। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 12, जोधपुर में हमले में घायल दारोगा ने तोड़ा दम। जोधपुर में प्रदर्शन के दौरान दारोगा महेंद्र चौधरी पर लगा था हुआ था हमला, इलाज के लिए अहमदाबाद जाते समय तोड़ा दम। राजस्थान के करौली में फिर भड़की हिंसा, भारत बंद के दौरान हुई हिंसक झड़प में गुस्साए लोगों ने 2 दलित नेताओं के फूंके घर। बीकानेर में भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा के बाद प्रशासन सतर्क, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। चुरू में दलितों के बुलाए बंद के दौरान मारपीट के विरोध में कारोबारियों ने बुलाया बंद, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। मध्य प्रदेश में 8 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा, भिंड में खेत में मिली एक शख्स की लाश। मध्य प्रदेश के मुरैना में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 50 से ज्यादा लोग हिरासत में, कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू। SC/ST एक्ट पर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर रोक लगाने से इनकार। कानून के बेजा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा किसी निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए सजा। सुप्रीम कोर्ट के ने मंजूर की केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका, 2 दिनों में सभी पक्षों से मांगा जवाब। भारत बंद के दौरान हिंसा पर लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर पैदा किया विवाद। SEIU के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया का आरोप, यूपी में हिंसा के लिए BSP जिम्मेदार। इस पूरी जिम्मेदार है, BSP जिम्मेदार है और ये पर्दे के पीछे जो हिंसा हुई है वो लोग जिम्मेदार है, कमीशन इंक्वायरी करेगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। भारत बंद के दौरान हिंसा को लेकर सियासत जारी, BJP ने कांग्रेस पर लगाया तनाव भड़काने का आरोप। ये कौन सी ताकतें थी जो इस तरह से उकसा रही थी? राहुल गांधी ने शांति की अपील क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मामले पर भी हम एक नहीं? कांग्रेस का BJP पर पलटवार, कहा दलितों के उत्पीड़न के आधार पर बटोरना चाहते हैं वोट, क्योंकि षड्यंत्र अब है, पहले हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे थे, अब दलित आदिवासी बनाम बाकी उनको लड़वाने का एक नया षड्यंत्र है 2019 के लिए, यही DNA है भारतीय जनता पार्टी का। SC/ST एक्ट को लेकर राहुल ने PM से दागे सवाल, कर्नाटक के शिमोगा में पूछा प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों साध रखी है चुप्पी। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया समर्थन, कहा पुनर्विचार याचिका की नहीं थी जरूरत। जो निर्दोष है, जिसका कोई कसूर नहीं, ऐसे लोगों को क्यों फंसाया जाता है? इसका मैं तो 15 साल से कह रहा था कि मजिस्ट्रेटियल जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत हो, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संसद में गतिरोध के कारण मंगलवार को भी कामकाज ठप, आज विपक्ष फिर उठा सकता है SC/ST एक्ट का मामला। दलित आंदोलन के दौरान हिंसा पर सियासत जारी, आज अजय माकन की अगुवाई में दिल्ली कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। RJD आज पटना में जारी करेगी नीतीश सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड, सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखेंगे तेजस्वी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, बीरभूम में पर्चा भरने के दौरान BJP नेता पर चाकुओं से हमला। मुर्शिदाबाद और हुगली में भी BJP समर्थकों से मारपीट, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। रांची में BJP अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा दाव, कहा लिंगायत समुदाय को हिंदू धर्म से अलग नहीं होने देंगे। अमित शाह ने कहा कर्नाटक सरकार की सिफारिश को नहीं मानेगा केंद्र, BJP को लिंगायतों पर बंटवारा मंजूर नहीं। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के टुमकुर में सिद्धगंगा मठ का करेंगे दौरा, चित्रदुर्ग में लिंगायत समुदाय को रिझाने की भी कोशिश। फेक न्यूज के नाम पर मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश नाकाम, PM के दखल के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय का फैसला वापस लिया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों की हो रही थी चौतरफा आलोचना, बीए ने बताई पत्रकारों की जीत। गाजियाबाद में मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसा बेकाबू ट्रक, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एटा के नया गांव में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव, प्रेम विवाह के मामले पर बढ़ा बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बाराबंकी में सहकारी सचिव ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में विभाग के भ्रष्ट अफसरों को बताया जिम्मेदार। महोबा में रेस्टोरेंट में सिलेंडर धमाके से भीषण आग, 2 लोग झुलसे, लाखों का सामान खाक। वाराणसी में 1.5 करोड़ के नशे की खेप के साथ पकड़ा गया तस्कर, डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन से लेता था ग्राहकों से पेमेंट। जालौन में बेटे ने गोली मारकर की पिता की हत्या, बाइक खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। हापुड़ में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से दहशत, वन विभाग की टीम ने पिंजरा लाकर तेंदुए को पकड़ा। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरे गिरफ्तार, 1 हफ्ते पहले 5 लाख की लूट को दिया था अंजाम। नौड़ा में स्कूल जा रही 4 साल की मासूम खुले मैनहॉल में गिरी, आसपास के लोगों ने बचाई जान। गाजियाबाद की झुक्की बस्ती में लगी आग, सिलेंडर धमाकों से लिया विकराल रूप। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित बस्ती का किया दौरा, दलित हिंसा पर कहा किसी को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं। गाजियाबाद में 1 महीने पुराने महिला की हत्या के मामले में बेटी गिरफ्तार, पुलिस का दावा समलैंगिक संबंधों बने हत्या की वजह। पीलीभीत में बेटे ने ही की पिता की हत्या, संपत्ति को लेकर हुआ था पिता पुत्र में झगड़ा। बिजनौर में रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में सीआरपीएफ का स्टेनो गिरफ्तार, इंटरनेट पर डाली थी लड़की की अश्लील तस्वीर। उन्नाव में बदमाशों ने लड़की को चाकू मारकर किया जख्मी, जमीन के विवाद में किया गया हमला। हरियाणा के सोनीपत में खुला आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया उद्घाटन। सोनीपत पहुंचे सीएम खट्टर को सरपंचों ने दिखाए काले झंडे, ई गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर खफा है सरपंच। पानीपत में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, हालात पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को लगे 5 घंटे। पंजाब के संगरूर में एसबीआई बैंक में गोली चलने से मची अफरा तफरी, सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से बंदूक गिरने से गलती से हुआ फायर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, मुखबिरी का आरोप लगाकर मारी गोली। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से 4 नक्सली गिरफ्तार, आरोपियों के पास से विस्फोटक बरामद। रायपुर के दंपति से 11 लाख ठगी का आरोपी गिरफ्तार, तंत्र मंत्र के नाम पर लिया था झांसा। रायपुर में अस्पतालों में पीलिया के हजारों मरीज भर्ती, दूषित पानी सप्लाई के चलते फैली बीमारी। जमशेदपुर में सुरक्षा बलों ने नष्ट की अफीम की फसल, एंटी नक्सल अभियान के तहत कॉम्बिंग के दौरान हुआ था खुलासा। गाजियाबाद में मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसा बेकाबू ट्रक, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एटा के नया गांव में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव, प्रेम विवाह के मामले पर बढ़ा बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बाराबंकी में सहकारी सचिव ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में विभाग के भ्रष्ट अफसरों को बताया जिम्मेदार। महोबा में रेस्टोरेंट में सिलेंडर धमाके से भीषण आग, 2 लोग झुलसे, लाखों का सामान खाक। वाराणसी में 1.5 करोड़ के नशे की खेप के साथ पकड़ा गया तस्कर, डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन से लेता था ग्राहकों से पेमेंट। जालौन में बेटे ने गोली मारकर की पिता की हत्या, बाइक खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। हापुड़ में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से दहशत, वन विभाग की टीम ने पिंजरा लाकर तेंदुए को पकड़ा। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरे गिरफ्तार, 1 हफ्ता पहले 5 लाख की लूट को दिया था अंजाम। नोएडा में स्कूल जा रही 4 साल की मासूम खुले मैनहॉल में गिरी, आसपास के लोगों ने बचाई जान। गाजियाबाद के झुग्गी बस्ती में लगी आग, सिलेंडर धमाकों ने लिया विकराल रूप। हरियाणा के सोनीपत में खुला आईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया उद्घाटन। सोनीपत पहुंचे सीएम खट्टर को सरपंचों ने दिखाए काले झंडे, ई गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर खफाए सरपंच। पानीपत में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, हालात पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को लगे 5 घंटे।
पंजाब के संगरूर में SBI बैंक में गोली चलने से मची अफरातफरी, सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से बंदूक गिरने से गलती से हुआ फायर। सितंबर 2013 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचे दिल्ली में पेट्रोल के दाम, 73 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हुई कीमत। जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री कारोबारी साल 2017-18 में 83% बढ़ी, इस साल भारत में लाएगी 10 नई गाड़ियां। कारोबारी साल 17-18 में RGL ने राजधानी में रिकॉर्ड 1.5 लाख में कुकिंग गैस कनेक्शन बांटे, NCR में 885 किलोमीटर पाइपलाइन। आधार डेटा में प्रॉपर्टी, वित्तीय और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं, UIDAI ने कहा भविष्य में भी नहीं जोड़ी जाएंगी सूचनाएं। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से 2018 में नई नौकरियों के मौके बढ़ने की उम्मीद, रिक्रूटमेंट फर्म माइकल पेज इंडिया का दावा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।